आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MySQL। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग डेटाबेस से फैमिलियर हो, तुम्हें ओरेकल पता है, तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ही आसान है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है, MySQL को लेके काम कैसे करना है। स्टार्ट करें। ओके, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट एग्जैक्टली द MySQL इज। ये MySQL होता क्या है, ये करता क्या है। ये सिंपल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS है। इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो हमारा MySQL है, इट्स अ प्रोडक्ट बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। अब ये ओरेकल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है। पहले तो ये हमारे पास ओपन सोर्स के तौर पे होता था, लेकिन बाद में इसको ओरेकल ने परचेज कर लिया। तो अब नाउ दिस इज द प्रोडक्ट बाय द ओरेकल कॉर्पोरेशन। अब आप लोग का जो बैकग्राउंड है, आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हो, वहाँ पे ओरेकल तुम्हें पहले से पता है। अब तुम बोलोगे सर MySQL हम क्यों यूज़ करें जब ओरेकल ऑलरेडी हमारे पास है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये होती है कि भाई आप कंपैटिबिलिटी, कौन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस पर्टिकुलर डेटाबेसेस के साथ मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी है। अब जैसे मैं बात करूं जावा, जावा हैविंग द मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी विद द ओरेकल। अगर मैं बात करूं डॉट नेट, डॉट नेट का मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी है SQL सर्वर से। जैसे हम यहां पे PHP कर रहे हैं, तो PHP के साथ मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी है MySQL का। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करने जा रहे हैं, हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं MySQL। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स अ प्रोडक्ट बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। सबसे पहला स्टेप जो है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि डेटाबेस क्या होता है, ये सब तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। यदि तब भी प्रॉब्लम हो तो जो डेटाबेस की जो प्रीवियस नोट्स होंगे तुम्हारे पास, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर डेटाबेस के वीडियोज रखे हुए हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो कि डेटाबेस का इंट्रोडक्शन क्या है, डेटाबेस के अंदर हम करते क्या और सारी चीज़ें। हम सीधे आते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल द MySQL और हम लोग काम किस तरीके से करेंगे MySQL के अंदर। बिकॉज हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ टू मेक द डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ PHP एंड MySQL। भाई PHP और MySQL को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे हम टेबल को उठाएंगे, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई हम MySQL को लेकर काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, MySQL को स्टार्ट करना है। तो MySQL को स्टार्ट करने के लिए ऑलरेडी आपने शुरुआत में जैम्प इंस्टॉल कर रखा है, आपने ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको क्या करना है, जैम्प में आना और यहाँ पर MySQL को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं जैम्प को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ओपन करता हूँ जैम्प को, मैं यहाँ पे जैम्प को स्टार्ट करता हूँ। और जैम्प के अंदर ये देखो हमारा ये बाई डिफॉल्ट इस तरह से रहता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जैम्प में आने के बाद मैं यहाँ पे अपैची को और ये जो हमारा MySQL है, दोनों को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं इसे भी स्टार्ट करता हूँ और ये हमारा काम हो गया, दैट्स इट। जैसे आप PHP के लिए स्टार्ट करते हो, आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मैंने अपैची को भी स्टार्ट कर दिया और मैंने MySQL को भी स्टार्ट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू, जो हम PHP के लिए करते हैं। पहली चीज, आप इसको मिनिमाइज कर दें। अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि सबसे पहले आप जब आते हो जैम्प, जब आपने इंस्टॉल किया था, तो देखो ये जैम्प फोल्डर के अंदर है हमारा, ये जैम्प हमारा सी ड्राइव में इंस्टॉल है। जैम्प फोल्डर के अंदर अंदर हमारा यहाँ पे देखो MySQL करके एक फोल्डर, MySQL के अंदर यहाँ पे देखो एक बीन फोल्डर है, और ये बीन फोल्डर के अंदर ये देखो ये सारी दुनिया भर की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमें जो भी काम करना है वहीं से बीन फोल्डर से ही करना है, हमें जो भी काम करना है वो इस बीन फोल्डर से ही करना है, ठीक। तो दूसरा काम हम क्या करेंगे, हमने जैम्प तो स्टार्ट कर लिया, और जैम्प स्टार्ट करने के बाद हम इस लोकेशन में आ जाएंगे, यानी कि कहाँ पे आएंगे, सी के अंदर जैम्प में MySQL और बीन के अंदर। तो मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट हम यहाँ से भी ओपन कर सकते थे। मैं यहाँ पे सी ड्राइव में आता हूँ, यहाँ पे जैम्प में आता हूँ, यहाँ पे MySQL के अंदर आता हूँ और MySQL के अंदर मैं यहाँ पे बीन में आता हूँ। अदरवाइज मैं पाथ भी सेट कर सकता था, मैं डायरेक्ट MySQL लिखूंगा तब भी काम हो जाएगा। बाई डिफॉल्ट अभी हमारा पाथ सेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे बीन में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे मैं करता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक।
शिफ्ट राइट क्लिक का मतलब होता है, ये देखो ये आ जाएगा शिफ्ट एंड राइट क्लिक। यहाँ पर मैं करता हूँ ओपन कमांड विंडो हियर, ये आपका कमांड विंडो इसने ओपन कर दिया आपको डायरेक्ट, इसने जैम के अंदर, MySQL के अंदर और बीन के अंदर इसने आपको पहुंचा दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे MySQL को स्टार्ट करना है। तो जब कभी भी हम यहाँ पे MySQL को स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे यूजर नेम देना होगा, हमें यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, हमें यहाँ पे सर्वर का नाम देना होगा। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि भाई हमारा यूज़र का नाम क्या है। भाई इंस्टॉलेशन के टाइम में तो इसने मांगा नहीं कुछ इसने, तो मुझे यहाँ पर पता करना है हमारा यूज़र का नाम क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा लोकल होस्ट क्या है। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो यूज़र नेम बाई डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है रूट। जैसे ओरेकल में तुम लोग सिस डीबी वगैरह से कनेक्ट कर जाते हो ना, यहाँ पे हमारे पास रूट होता है जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। अब मुझे कैसे पता कि रूट ही है या कुछ और है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये मैं जैम के अंदर जाता हूँ और जैम के अंदर यहाँ पे होता है PHP माई एडमिन। मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर आता हूँ और PHP माई एडमिन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होता है config.inc.php। ये फाइल होती है हमारे पास config.inc.php, ये देखो PHP की फाइल है। अब मैं यहाँ पे config.inc.php के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि हमारी जो सेटिंग्स हैं वो क्या सेटिंग्स हैं यहाँ पर। तो ये देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग्स हैं और यहाँ पर हमारा यूजर नेम क्या है, देखो हमारा यूजर नेम है रूट। हमारा पासवर्ड क्या है रूट का, ब्लैंक है, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो लोकल होस्ट है वो क्या है, 127.0.0.1। ठीक, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत थी, हमें ये देखना था भाई हमारा यूज़र क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा लोकल होस्ट क्या है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, हमने याद कर लिया, अच्छा रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं दे रखा है, होस्ट में हमने दे रखा है 127.0.0.1 जो कि हमारा लोकल होस्ट का होता है। बाकी अभी हमें फ़िलहाल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इत्मीनान से बंद कर देता हूँ। ठीक, तो मैंने ये देख लिया मेरा यूजर नेम क्या है, मैंने ये देख लिया मेरा पासवर्ड क्या है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे और कमांड प्रॉम्प्ट पे मुझे MySQL से कनेक्ट होनी है। तो MySQL से कनेक्ट होने के लिए ऑलरेडी मैं बीन फोल्डर के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQL, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQL, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MySQL माइनस यू यूज़र का नाम, और यूज़र का नाम हमारा क्या है, रूट। अब मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस पी पासवर्ड, लेकिन हमारा पासवर्ड कुछ है नहीं तो हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस एच मतलब होस्ट, और हमारा जो होस्ट है वो क्या है, हमारा होस्ट जो है वो है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये फर्स्ट टाइम हमसे बोलता है कि भाई आप पासवर्ड डाल दो, तो अभी तो हमने पासवर्ड कुछ दिया ही नहीं, मैं एंटर कर देता हूँ और ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब आप ज़रा गौर से देखो कि मैंने जैसे यहाँ पे MySQL के अंदर जाके मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, इसने यहाँ पे दिखा दिया MariaDB। अब ये MariaDB क्या है भाई, अभी तक तो हम MySQL की बात कर रहे थे, अब ये भाई साहब यहाँ से कहाँ आ गए, ये MariaDB। देखो है क्या, मैं आपको बताऊँ, जो पहले के जैम्प वगैरह होते थे उसको जब हम स्टार्ट करते थे तो MySQL ही लिखा आता था और हम MySQL के अंदर ही काम करते थे। अब ये MariaDB क्यों आ रहा है, अब जरा समझो इस बात को। देखो ये जो हमारा MariaDB है, और एक तो हमारा MySQL है, MySQL में जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो वो रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे MariaDB के ऊपर, कुछ भी नहीं है। देखो MySQL के अंदर क्या है कि MySQL अब ये Oracle कॉर्पोरेशन का प्रोटेक्ट हो गया है। Oracle हर एक चीज़ को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, कुछ प्लगइन्स के लिए वो आपसे फिर लाइसेंस मांगता है MySQL के अंदर। लेकिन जो MySQL के यूज़र हैं उनको फ्री की आदत लगी हुई है, उनको चाहिए हर एक चीज़ ओपन सोर्स के तौर पर, मतलब फ्री में अवेलेबल हो। तो Oracle कॉर्पोरेशन ने ये बोला कि चलो भाई ठीक है, एक काम करो, MySQL तो हमारा जो है वो यू नीड टू परचेज द लाइसेंस एंड ऑल, कुछ प्लगइन्स के लिए आपको लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो उसने बोला कि एक काम करो भाई, आप जो काम MySQL से करवा रहे थे, मैं एक काम करता हूँ आपको MySQL के थ्रू मैं MariaDB पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ। तो MariaDB हमारा क्या है, ये ओपन सोर्स है, मतलब ये ओपन सोर्स है, ये यहाँ पे सारा कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि MariaDB क्या है क्या करता है, तो मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि ये हमारा ओपन सोर्स है जो कि फ्री में हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जो काम पहले कभी MySQL क्या करता था। ठीक,
तो हम यहाँ पे MariaDB में जाते हैं, मतलब जब भी आप MySQL स्टार्ट करोगे जैम्प में तो वो बाय डिफॉल्ट आपको रिडायरेक्ट कर देता है MariaDB पे, और हमारा यहाँ पे MariaDB आ जाता है। ये MySQL ही है अपने आप में, लेकिन ये अलग है, ये थोड़ा सा ओपन सोर्स टाइप की चीज़ें हैं। तो अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि भाई MariaDB में क्या कमांड वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है। लेकिन ओरेकल ने ये बोला कि भाई MySQL जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था अब हम वो नहीं देंगे। तो जैम्प वालों ने ये बोला कि भाई ठीक है, हम MySQL, चूंकि यूजर की आदत लगी हुई है MySQL, तो जब हम MySQL लिखवाएंगे तो ऑटोमेटिक उसने हमें MariaDB पे रिडायरेक्ट कर दिया, और अब हमारा ये यहाँ पे एनवायरनमेंट खुल के आ गया। अब हम लोग इस अपने एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, देखो Oracle के अंदर आप लोग आते थे, अपना टेबल वगैरह स्टार्ट करते थे और काम शुरू करते थे, लेकिन बाकी जितने भी डेटाबेसेस है ना, Oracle के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता था, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन बाकी डेटाबेसेस के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले आप डेटाबेस बनाते हो, और डेटाबेस के अंदर फिर आप टेबल बनाते हो, फिर काम करते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारे कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि डेटाबेस कौन सा अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ सो डेटाबेस डेटाबेसेस। अब जैसे मैं बोलता हूँ सो डेटाबेसेस, ये मुझे डेटाबेसेस का नाम बता रहा है। देखो मेरे पास ERP है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, PHP MyAdmin है, डाटा है, टेस्ट है, तो ये सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, जो काम तुम यहाँ पे कर रहे हो ना, यही काम तुम यहाँ से भी कर सकते हो, तुम PHP MyAdmin से भी कर सकते हो जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ http://localhost, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 127.0.0.1। अभी मैं यहाँ पे करूँ तो देखो यहाँ पे ये खुल के आता है PHP का ये होम पेज। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे PHP MyAdmin पे ले जाता है, तो मैं यहाँ से भी आके काम कर सकता हूँ PHP MyAdmin से भी। ये जो हमारा PHP MyAdmin है, ये देखो, ये PHP MyAdmin पे आने के बाद भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ये देखो, ये वही लिस्ट आपको दिखा रहा है ना जो आप वहाँ पे देख रहे थे, वही सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, वही चीज़ें आ रही हैं जो आप वहाँ पे देख रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये देखो ERP डेटाबेसेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, ये हमारा डेटाबेस है, ये देखो डेटाबेस का नाम बता रहा है। मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दो, यहाँ पे क्रिएट कर दो, वो डेटाबेस क्रिएट करके लेके दे देगा, ठीक। लेकिन फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा सो डेटाबेसेस, तो उसने मुझे डेटाबेस का नाम बता दिया। अब मान लो मुझे अपना काम करना है तो मेरे पास अपना डेटाबेस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना भी बहुत आसान काम है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का नाम है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रहा हूँ कॉलेज के लिए, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कॉलेज। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कॉलेज, ये हमारा डेटाबेस बन गया। अब यदि मैं यहाँ पे करता हूँ सो डेटाबेसेस, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सो डेटाबेसेस, तो मुझे ये यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई हमारा एक कॉलेज के नाम से भी हमारा एक डेटाबेस बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर में आना है। भाई मैं जो भी काम करूँगा अपने डेटाबेसेस के अंदर में करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जो मैंने यहाँ पे कॉलेज डेटाबेस बनाया, ये कॉलेज डेटाबेस की एंट्री यहाँ पे भी आ रही होगी। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये कॉलेज डेटाबेस यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो ये यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ जिससे मैं काम कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज, और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉलेज। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा यूज कॉलेज, तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे MariaDB के बाद यहाँ पे कॉलेज लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा प्रेजेंट डेटाबेस कौन सा है, कॉलेज। अभी आपके इस डेटाबेस में कोई टेबल वगैरह तो है नहीं, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, टेबल बनाओगे। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। यदि मुझे यहाँ पे टेबल की लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हम यहाँ पे जैसे बोलते थे सो डेटाबेसेस, इसी तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं सो टेबल्स। ये देखो, अब ये बता रहा है जी, ये अभी एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ है नहीं, आपने कुछ डाला नहीं है। अब सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे करना है टेबल क्रिएट करना है। आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, आप मास्टर आदमी हो, सारे लोग ओरेकल के, तो ऑलरेडी आप जानते हो चीज़ों को। तो मुझे यहाँ पे टेबल बनाना है, तो टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल। मान लीजिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल बनाता हूँ EMP, और EMP के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे लेना है एम्प्लॉय नंबर,
अब मैं यहाँ पे नंबर नहीं डालूंगा, वहां पे तुम ओरेकल में यूज करते थे नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं होता, यहाँ पे या तो इंट होता है या न्यूमेरिक होता है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इंटीजर, ठीक। तो मैंने यहाँ पे इम्प्लाई नंबर डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे इम्प्लाई का नाम डालना है। यहाँ पे वैर कैर टू नहीं होता, यहाँ पे वैर कैर होता है। अब वैर कैर में यहाँ पे मैं साइज डाल देता हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ पे सैलरी डालना है, तो मैं यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सैलरी में क्या डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन इंटीजर डाल देता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल हमारा बन गया। अब ये जो हमारा टेबल बन गया, अब यदि मैं यहाँ पे करूँ सोर्ट टेबल, तो ये मुझे बता देगा कि अच्छा आपने ये टेबल बना दिया है। मुझे ये देखना है कि जो आपने टेबल बनाया है उस टेबल के अंदर यहाँ पे आपने क्या चीज़ें रखी हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिस्क्राइब DSC, और जो भी हमारे टेबल है तो ये मुझे इसका स्ट्रक्चर बता देगा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। इम्प्लाई नंबर है, वो नल है, अभी आपने कोई प्राइमरी की वगैरह वहाँ पे कुछ ऐड नहीं करा है, आपने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ऐड नहीं करा है। तो इस तरह से हम डिस्क्राइब करके देख सकते हैं कि आपके टेबल के अंदर यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये जो डिस्क्राइब है, इसके जगह पे तुम एक चीज़ और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सो कॉलम्स। जो भी हमारा कॉलम है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सो कॉलम्स और फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम हमारा क्या है, EMP। ये देखो, ये एक ही चीज़ है दोनों। चाहे तो मैं लिख दूँ सो कॉलम फ्रॉम EMP, ये कॉलम का डिटेल दिखा रहा है, या मैं डिस्क्राइब लिख दूँ जो हम लोग ओरेकल में लिखते आ रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब मुझे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। याद रखना, अब जो भी तुम यहाँ पे इंसर्ट लिखोगे, अपडेट लिखोगे, डिलीट लिखोगे, ये सारा उसी तरीके से काम करना है जैसे आपने बाकी अलग डेटाबेसेस में किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, EMP। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, वैल्यूज। अब जो मुझे वैल्यूज देना है किसके लिए देना है, एम्प्लाई नंबर के लिए देना है, मुझे यहाँ पे एम्प्लाई नेम के लिए देना है, और मुझे उसकी सैलरी देनी है। तो मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दिया, इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। अब मान लो मुझे पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू डालनी है, मुझे केवल एम्प्लाई नंबर और एम्प्लाई नेम में डालना है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ एम्प्लाई नंबर कॉमा एम्प्लाई नेम, और मैं बोलता हूँ वैल्यूज, ये रहा हमारा, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ राशिद, और मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ये जो आपने यहाँ पे डाल रखा है ना, ये 9292, ये सब ये चीज़ें मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब यदि मुझे देखना है यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ये देख, ये डेटा निकल के सामने आ गया। तो अब आपने यहाँ पे EMP टेबल बना लिया, और EMP टेबल को लेके आप अपना काम कर रहे हो। यदि मान लो मुझे और भी रिकॉर्ड डालने हैं, आप यहाँ पे और भी रिकॉर्ड डाल दो। मैं यहाँ पे और भी कुछ रिकॉर्ड डाल देता हूँ, 113। और अभी क्या है, जो तुम यहाँ पे इम्प्लाई नंबर डाल रहे हो ना, ये इम्प्लाई नंबर तुम्हें बार बार एंट्री करनी पड़ रही है। ये जो तुम यहाँ पे इम्प्लाई नंबर डाल रहे हो, ये इम्प्लाई नंबर तुम्हें बार बार यहाँ पे एंट्री करनी पड़ रही है। तो मैं इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, फ्रॉम EMP, और ये हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और ये डेटा हमारा आ गया। अब मान लो मुझे इस इम्प्लाई की सैलरी देनी है मुझे, तो फिर क्या करोगे यहाँ पे, अपडेट, जैसे आप पुराने टाइम से करते आ रहे हो, अपडेट EMP। अब मैं बोलता हूँ सेट सैलरी इक्वल टू, क्या देना है, सपोज मैं देता हूँ 9000, वेयर कंडीशन, वेयर इम्प्लाई नंबर इज इक्वल टू 112। तो 112 के लिए आपने, अब यहाँ पे सैलरी है हमारा फील्ड का नाम क्या है, सैलरी है, तो आई नीड टू गिव द सैलरी ओवर हियर। मैं लिखता हूँ अपडेट EMP, सेट सैलरी इज इक्वल टू 9000, फिर एम्प्लाई नंबर इज इक्वल टू 112। अब ये देखो, ये इसने अपडेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके देखता हूँ, तो हमारा वो वहाँ पर अपडेट हो चुका है। यदि मान लो मुझे इस रिकॉर्ड को हटाना है किसी रिकॉर्ड को, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ डिलीट फ्रॉम EMP, फिर एम्प्लाई नंबर इज इक्वल टू 111। अब इस रिकॉर्ड को आपने यहाँ पर डिलीट कर दिया, अभी हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट हो गया। अब यदि मैं सेलेक्ट करके देखूँ, तो ये हमारा काम करेगा। एक अच्छी चीज़ है जो MySQL के अंदर मुझे लगता है कि यदि आपको याद हो, तो ओरेकल के अंदर तुम लोग सिक्वेंस यूज़ करते थे, और सिक्वेंस का यूज़ करके हम लोग ऑटोमेटिकली प्राइमरी की वाला वैल्यू को जनरेट करते थे। यहाँ पे क्या है कि यदि आप यहाँ पे चाहते हो कि भाई हमारा जो ये ID है, या जो इम्प्लाई नंबर है, वो ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट टेबल, और मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ EMPL, और EMPL के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ इम्प्लाई नंबर इज ऑफ टाइप इंटीजर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट नल, इसको मैंने नॉट नल बना दिया। और मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो है इंक्रीज होता जाए, मुझे इंसर्ट करने की जरूरत ना हो, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑटो अंडरस्कोर
इंक्रीमेंट, मैं आप बोलता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, और मैं इसको प्राइमरी की भी बना देता हूँ, मैं आप बोलता हूँ प्राइमरी की। तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी की भी बना दी, तो यहाँ पर आप ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ इनेम, मैं यहाँ पर देता हूँ इनेम इज अब टाइप वैर कैट 2 of 20। मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ सैलरी इज अब टाइप इंट, जो भी मुझे डालना था मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर गलती कर दी, चूँकि ओरेकल वाली आदत लगी हुई है, मैंने यहाँ पर वैर कैट 2 डाल दिया तो उसने मुझे एरर दे दिया। तो मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है, अपनी आदतों को कंट्रोल करके रखनी है। तो यहाँ पर वैर कैट 2 नहीं होता, यहाँ पर केवल वैर कैट होता है। अब मैं यहाँ पर ये डालता हूँ, ये देखो अब इसने मुझे टेबल बना के दे दिया। अब मैं इस टेबल के अंदर इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट इनटू ईएमपीएल, और मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ नेम के ऊपर, और मैं डालता हूँ सैलरी के ऊपर, चूँकि इम्प्लाई नंबर तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मुझे इम्प्लाई नंबर में कुछ देने की ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यूज, मान लो मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, मैंने यहाँ पे ये सैलरी डाल दिया, ये देखो। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट करा, इंसर्ट इनटू ईएमपीएल ईनेम सेल वैल्यूज, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और फिर से मैं यहाँ पे यही वैल्यू डाल देता हूँ, फिर से डाल देता हूँ, फिर से डाल देता हूँ। आप जरा गौर से देखो, जितनी बार तुमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, ये देखो ये ऑटो इंक्रीमेंटेड था ना, तो ऑटोमेटिकली आपने इसको 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिक असाइन हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और तुम देखो, अभी मान लो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करते वक्त मान लो मैंने ये नहीं दिया, मैंने कॉलम का नाम नहीं दिया, मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया, तो इसने मुझे एरर मैसेज दे दिया, इसने मुझे बोल दिया कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो। भाई यहाँ पे कितने वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे 3 है और तुम 2 ही वैल्यू दे रहे हो, तो इसको प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब कभी भी ऑटो इंक्रीमेंट वाला यूज करना है ना तुम्हें, तुम चाहते हो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो, तो आपको इंसर्ट हमेशा इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको इंसर्ट लिखना है, ठीक। अब ये ले लेगा। अच्छा अभी मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू भी दे दूँ, तो अभी मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और मैं यहाँ पे वैल्यू भी दे दूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 901। अब यदि मैं ये दे दूँ तो अब ये तो इंसर्ट हो गया। अब यदि मैं सेलेक्ट करके देखूँ तो ये देखो यहाँ पे 901 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तुम वैल्यू दे दोगे तो जो तुमने दिया है वही ले लेगा, और अभी भाई साहब आपने नहीं दिया है वैल्यूज, अभी इस तरीके से आपने इंसर्ट करी है जहाँ पे आप वैल्यू को इग्नोर कर रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंटेड होता हुआ चला जाएगा। अब यदि मान लो मैं फिर से यहाँ पे ये वाला दूँ, मैं सिंपली यहाँ पे फिर से ये दे रहा हूँ, तो अब क्या होगा जरा गौर से देखो। देखो अब ये हाईएस्ट वैल्यू जो थी 901, वहाँ से उसने कंटिन्यू कर दिया और इसने इसे बोल दिया 902। अब मैं यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली कि इंसर्ट कैसे करोगे, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा नाम है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ और ये चीज़ें, ये क्या यू हैव एन एरर। अब ये सेलेक्ट स्टार्ट, यहाँ पे हमने फ्रॉम में गलती कर दी, ये सारे मिस्टेक्स हम लोग करते रहते हैं। ये देखो हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा वेयर कंडीशन भी वैसे ही चलना है जैसे आप सभी डेटाबेस में चलाते हो। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000, वो सारी सैलरी 2000 से ही भरा है, चलो मान लेते हैं सैलरी ग्रेटर देन 7000। ये देखो ये यहाँ पे उन सारे रिकॉर्ड को दिखा देगा जिसकी सैलरी 7000 से ज़्यादा है। अभी मान लो मैं बोलता हूँ सैलरी लेस देन 7000, ये सारे रिकॉर्ड को दिखा देगा जिसकी सैलरी लेस देन 7000 है, कोई है ही नहीं। अभी मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेयर इनेम इज इनेम लाइक, यहाँ पे लाइक ऑपरेटर भी लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ एक्स परसेंटाइल का मतलब जिसका नाम जो है एक्स से शुरू हो। मैं आप बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चेक द मैनुअल एंड कॉरस्पॉन्डिंग MariaDB वर्सन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज नियर लाइक। ओके मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल वेयर इनेम लाइक। अब देखो यहाँ पे उस रिकॉर्ड को दिखा देगा जहाँ पे हमारा ये। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप देख रहे हो कि मैं सारा वही कमांड चला रहा हूँ जिन कमांड से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। यहाँ पे सेलेक्ट लगनी है, यहाँ पे भी ग्रुप फंक्शन यूज होना है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपीएल, ये देखो मैक्सिमम सेल ही आ रहा है। अभी मान लो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपीएल, ये देखो सम ऑफ द सेल ही आ रहा है। अभी मैं बोलता हूँ सेलेक्ट एवरेज ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपीएल, ये एवरेज ऑफ सेल ही आ रहा है। मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट काउंट
मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार। अब आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड ये मुझे काउंट करके बता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये जो सारे कमांड हैं, ये कमांड वही कमांड है जो ऑलरेडी तुम लोगों ने अलग अलग डेटाबेसेस में यूज कर रखा है, मतलब आपने ओरेकल वगैरह के अंदर यूज कर रखा है। ओरेकल में जो आपने सेलेक्ट चलाया है, जो इंसर्ट अपडेट डिलीट चलाया है, जो ऑल्टर कमांड चलाया है। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ये टेबल है, ये टेबल है, अब मुझे यहाँ पे फील्ड देखनी है कि कौन कौन सी फील्ड हमारे हैं, हमें फील्ड ऐड करनी है। तो हमें फील्ड ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे भी ऑल्टर कमांड यूज करूँगा, ऑल्टर टेबल, जो भी टेबल का नाम है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऐड, अब क्या ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, फील्ड ऐड करनी है, तो फील्ड का नाम क्या होगा भाई, मोबाइल होगा, और मोबाइल को मैं इंटीजर टाइप में यहाँ पे डाल देता हूँ, डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑल्टर टेबल EMPL। अब देखो इसने फील्ड ऐड कर दिया मोबाइल। अब यदि मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके देखूँ EMPL को, तो यहाँ पे मोबाइल भी आ गया होगा। अब जरा गौर से देखो, ये सारे वही कमांड हैं जो हम डेटाबेस में ओरेकल में चलाते थे, तो कुछ अलग सा नहीं है। अभी मान लो मुझे इस मोबाइल को ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे भी वही कमांड चलना है। हम यहाँ पे बोलते हैं ऑल्टर टेबल टेबल नेम, हम यहाँ पे बोलते हैं ड्रॉप कॉलम, जो भी हमारे कॉलम का नाम है, ड्रॉप कॉलम मोबाइल, और ये हमारा यहाँ पे ड्रॉप। अब यदि आप जाके डिस्क्राइब करके देखोगे, तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी उसने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया उसे। तो मेरे कहने का मतलब, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चला के देखनी है, अब आपको यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड चला के देखनी है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, यहाँ पे ऑल्टर कमांड चला के देखनी है, आपको ये सारे कमांड यहाँ पे चला के देखने, जो आपने कमांड वहाँ पे यूज़ किया है वही सारा कमांड आपको यहाँ पे चला के देखना है, ठीक, कि आप इंसर्ट कैसे लगाओगे, सेलेक्ट कैसे लगाओगे, अपडेट कैसे लगाओगे, डिलीट कैसे लगाओगे, ऑल्टर कैसे चलाओगे। अदि मान लो मुझे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो क्या ये कमांड चलेगा। अदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैल फ्रॉम EMP वेयर सैल लेस देन, सब क्वेरी चला रहा हूँ मैं बोलता हूँ वेयर सैल लेस देन, फिर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैल फ्रॉम EMP। अब मैं इसको रन करूँ तो EMPL टेबल थी ना हमारी, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ EMPL, मैं यहाँ पे बोलता हूँ EMPL, ये देखो अब ये बोल रहा है जी मैक्स सेल फ्रॉम EMPL वेयर सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMPL, वो बोल रहा है जी नल, वहाँ पे कोई नल वैल्यूज होगा तो इसलिए वो मुझे नल लेके दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब आपको जो आपने कमांड यूज़ कर रखे हैं ऑलरेडी, उन सारे कमांड को लेके आपको यूज़ करना है, आपको उसे काम करना है, मतलब सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑल्टर, ये जो बेसिक कमांड है वो सारे कमांड करके देखने हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ज्वाइंस होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास सब क्वेरीज होते हैं, ये सारे कमांड हमारे उसी तरीके से काम करते हैं। तो आप लोग का पहला टास्क आज केवल ये है कि जितने भी बेसिक कमांड हैं उन बेसिक कमांड को करना है, और उन बेसिक कमांड को करके उसको फिनिश कर देनी। यदि ओरेकल के बेसिक कमांड में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो सॉरी MySQL के बेसिक कमांड में यदि आपको दिक्कत है कि भाई इंसर्ट कैसे करें, अपडेट कैसे करें, डिलीट कैसे करें या सेलेक्ट कैसे करें, तो आप कुछ ना करें, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे ओरेकल ट्यूटोरियल्स की जो सेकेंड या थर्ड वीडियो होगी उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिक जो कमांड है वो सारे दिए हुए हैं, एक बार उसको देख लो, चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी, और उसके बाद फिर उन सारे कमांड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखो। कल जब मैं तुम लोगों से बात करूँगा तो मैं पूछूंगा भाई कहाँ दिक्कत आई और कौन से कमांड में अंतर थी, क्योंकि कुछ कमांड ऐसे होंगे जहाँ पर अंतर आएगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को सीधे ले आऊँगा ज्वाइंस के ऊपर, मैं सीधे ले आऊँगा सब क्वेरीज के ऊपर, और उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे अपने स्टोर प्रोसीजर के ऊपर एंड फंक्शंस के ऊपर, ये जो चीज़ें हैं इसको लेके हम लोग काम करेंगे। बात समझ में आई, तो इतना काम अभी आप